सभी को आयुष दर्पण के हमारे इस लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर आपके साथ जुड़ चुके हैं और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं। हमारा ये सत्र जो है वो आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर शाम के 7 बजे लाइव होता है और आधे घंटे का ये सत्र होता है। और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें लोगों का जुड़ना जारी है। आपको बता दूं कि हमारे आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और शाम की 7 बजे क्लास की नोटिफिकेशन उनको जाती है। ये 7 बजे का सायंकालीन सत्र हम लोग इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि हमारे वैद्य जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको आयुर्वेद के सरल जो कुछ हमारे आचार्यों ने, चरक ने, ऋषि चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, जो हमारी संहिताओं में कुछ योग बताए हैं, हम उनके बारे में उनको बताएं ताकि वो अपनी प्रैक्टिस में इनको बना सकें और इसका प्रयोग कर सकें। और साथ में उनको ये मालूम चले कि ऐसे हजारों जो हमारे योग हैं वो हमारे आयुर्वेद की संहिता ग्रंथों में हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नवीन जोशी है, वैद्य नवीन जोशी, आप सब जानते हैं। आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप नित्य होने वाले इस सत्र में वहां से जुड़ सकते हैं। ये सत्र 7 बजे हमारे फेसबुक जर्नल के पेज पर भी लाइव होता है और ठीक 8 बजे ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। आज जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज का जो हमारा सत्र है इसमें हम बात करेंगे मुस्तादी चूर्ण के बारे में। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने पेजेस पे शेयर करें। और हम देख रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। हमारे जो है जब से हमने ये सत्र प्रारंभ किया है तो हमारी जो व्यूअर्स की संख्या है वो काफ़ी बढ़ रही है हमारे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी डिमांड कर रहे थे। तो हमने जो है उसको जो प्रयास किया है कि हम आपको इसको और बेहतर तरीके से आपको समझा पाएं और इसके बारे में आपको बता पाएं। आपके जो भी प्रश्न होंगे, आप यहाँ पर जो लोग हमारे ऐप से जुड़े हैं, देखिए आपका 100 सवा 100 लोग जुड़ चुके हैं इस समय में और सबके प्रश्न तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ आपके चुनिंदा प्रश्नों को मैं यहाँ पर शामिल करूंगा और आप बाद में हमारे इस कमेंट बॉक्स में या फिर ऐप के क्वेश्चन आंसर सेशन में आप इसको आपको छोड़ देंगे और वहां पे हम आपको एक एक करके हम रिप्लाई करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे सवाल आते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर देना जो है वो संभव नहीं है, पर आप YouTube पे भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, Facebook में आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुस्तादी चूर्ण का। तो मुस्तादी चूर्ण जो है ये ऋषि चरक ने जो है वो चरक चिकित्सा स्थान के कुष्ठ चिकित्सा अध्याय 7 में इसके बारे में बताया है। तो बहुत अच्छा योग है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप वो अगर हम इसका सूत्र बताएं तो मुस्तम, ब्योषम, त्रिफला, मंजिष्ठा, दारु, पंच मूल्यो द्वे, सप्त क्षद निम्बत्वक, शविशाल स्वित्र को मूर्वा, चूर्ण तर्पण भाग नैवर्भि, संयुजितम समद्वाजयम, सिद्धम कुष्ठ निबर्णमेतत् प्रायोगिकम भक्षयम्, स्वयथु स पाण्डुरोगम, स्वित्रम गृहिणी प्रदोषमर्षांसि, भग्न भगंदर पीड़िका कंडुकोठश्च विनहंती। ये सूत्र आया है। यानी क्या क्या चीजें हैं इसमें? तो नागर मूथा, नागर मूथा आप सब जानते हैं, पहले भी बताया हमने, सौंठ, मरीच, पिपली, आंवला, हरड़, बहेड़ा, मजीठ, देवदारू, दोनों पंचमूल यानी बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल दोनों, और बेल की गुदी आप लेते हैं इसमें, सोना पाठा, गंभारी की शाल, पाटला, बृहत पंचमूल में आप सब जानते हैं बृहत पंचमूल के आप घटक ले सकते हैं, है ना, बिल्व, अग्निमंश, शोनाक, पाटला, गंभारी। लघु पंचमूल में शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहती जो है बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, ये सब आप लेते हैं। साथ में इंद्रायण का, इंद्रायण की जड़ बड़ा अच्छा ये विरेचक का काम करती है, चित्रक मूल, मूरवा, इन सभी द्रव्यों को आपने संभाग लेना है। इन सभी को आपने बराबर मात्रा में लेना है।
और इनका कपड़ छल चूर्ण करके रख लेना, क्या करना है इनको, कपड़ा कपड़ छल इनका चूर्ण करके आपने रख लेना, और एक भाग यह चूर्ण और करीब करीब 9 भाग यव के सत्तू। सत्तू जानते हैं आप, बिहार में बड़ा प्रचलित होता है सत्तू, बिहार में यव चने का सत्तू लोग यूज करते हैं, तो यह यव का सत्तू लेना है। इसमें मधु मिला दें और घी में इसको घोलकर रोगी को खाने को दें। कहते हैं कि ये त्वचा रोगों में नित्य प्रयोग में आने वाला भक्ष्य है, यानी आप मुस्तादी चूर्ण को रोगियों में नित्य प्रयोग करा सकते हैं। मैं दोबारा इसका इंग्रेडिएंट्स रिपीट करता हूँ। चरक संहिता, चिकित्सा स्थान, अध्याय 7 जिसे कुष्ठ चिकित्सा अध्याय भी आप जानते हैं के नाम से जानते हैं, वहां पे ये योग आया है। इसमें नागरमोथा, सुंठा सुंठी, पीपर, मरीच, आंवला, हरड़, बहेड़ा, मजीठ, देवदारू, दोनों पंचमूल, वृहद पंचमूल और लघु पंचमूल है ना, और जिसमें मंत, शोनाक, पाटला, गंभारी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, वृहति है ना, कंटकारी, जो भी द्रव्य लघु पंचमूल के हैं वो सब आपने लिए, और साथ में आपने इंद्रायण की जड़, चित्रक का मूल, मूरवा, इन सभी द्रव्यों को बराबर मात्रा में लेना है। सभी को कैसे लेना है, बराबर मात्रा में लेना है, और इनको कपड़ छन करके चूर्ण बना लेना है। इनका क्या करना है, कपड़ छन करके इनका चूर्ण बना लेना है, और एक भाग यह चूर्ण और 9 भाग यव का सत्तू। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक भाग यह चूर्ण और 9 भाग यव का सत्तू आपने मिला के मधु और शहद और घी के साथ घोल दें आप इसको, सत्तू में घोल लें इसको, और कहते हैं कि इसे आप प्रतिदिन जो है प्रतिदिन आप रोगी को दे सकते हैं। आप इस योग को प्रतिदिन भक्ष्य बताया है और कहा है कि यदि आप इसे प्रतिदिन नियम पूर्वक देते हैं तो इससे त्वचा रोगों में अद्भुत प्रभाव मिलता है, और कहा है इसको प्रतिदिन आप दे सकते हैं। यही नहीं, इसके बारे में कहा गया है कि यह शरीर में शोथ है, पांडु है, स्वित्र है, जिसे हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं, और इवन अग्नि से जनित, अग्निमान से जनित व्याधियों में जहाँ ग्रहणी दोष बताई गई है, आप सब जानते हैं कि अर्श, अतिसार और ग्रहणी जो है वो अग्निमान जनित व्याधियां हैं, उनमें भी ये काम करती है, भगंदर में काम करती है, पीड़िकाओं में आप इसको दे सकते हैं, कंडू में दे सकते हैं, कोठ में आप दे सकते हैं, इन सभी स्थितियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसको प्रतिदिन लिया जा सकता है, यानी कि यह औषध योग प्रतिदिन लिया जाने वाला भक्ष्य है, यानी कि आप ग्रहण कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि सर चूर्ण की मात्रा कितना है, तो चूर्ण की मात्रा शास्त्र में निश्चित तो नहीं की गई है, लेकिन आप ये कह सकते हैं चूंकि इसको लेना है हमें प्रतिदिन, तो आप एक भाग चूर्ण लें और यव का जो सत्तू है इसे आप 9 भाग लें, तो क्या होगा, लेने में आसानी हो जाएगी, और टेस्ट भी जो है एक प्रकार से सत्तू आपने खाया होगा, सत्तू बहुत टेस्टी होता है, बिहार में तो सत्तू का शरबत बनता है आपने देखा होगा। तो आप इस प्रकार से इसको प्रतिदिन आप अगर नियम पूर्वक लेते हैं तो त्वचा रोगों में अद्भुत लाभ मिलता है। साथ साथ कहते हैं कि इसके अलावा जिस व्यक्ति की जितनी भोजन की मात्रा हो उसमें आप जितना भूख लगती है आपको, जितना आप भोजन करना चाहते हैं उसमें आप नवमांश यानी 9th पार्ट आपने चूर्ण मिलाना है, और मधु और घी के साथ इसका सेवन करना। फिर से ध्यान से रखिएगा क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट हैं, तो नागरमोथा, शुंठी, मरीच, पिप्पली, त्रिफला के घटक, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मजीठ, देवदारू, दोनों पंचमूल, बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल है ना, जिसमें कि आपको 10 मूल के सारे घटक आ गए, बिल्व, अग्निमन, शोनाक, पाटला, गंभारी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, ये सभी इसमें आ गए। साथ में आपने क्या लेना, इंद्रायण की जड़, चित्रक का मूल, मूरवा, इन सभी द्रव्यों को समान भाग में लेकर कपड़ छान करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, क्या करना है, कपड़ छान करना है, इनका चूर्ण बनाना है, एक भाग चूर्ण और 9 भाग यव के सत्तू जिसमें कि शहद और घृत मिलाकर
रोगी को नित्य प्रति आप भक्ष्य के लिए दे सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये मुस्तादी चूर्ण है। कहाँ आया है इसका वर्णन? तो इसका वर्णन आया है कुष्ठ रोग चिकित्सा अध्याय में। अब आप मेरे से कुछ सवाल आपके हैं यहाँ पे कि इसका हम कहाँ कहाँ पे प्रयोग और कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, आप इसका प्रयोग अन्य निम्नलिखित व्याधियों में जिनमें की शोथ है, जिनमें की पांडु है, जिनमें की गृहिणी है, अग्निमान जनित व्याधियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आप में से कई लोगों का सवाल है जो मैं ये लेता हूँ, रोज आपके सवाल होते हैं। तो मुस्तादी चूर्ण का हम लोग हाँ जो है इसका जो मुख्य जो गाढ़ घटक है, जैसे कल मैंने आपको यजमुदादी चूर्ण बताया था, तो आपने देखा उसका जो मुख्य घटक है वो अजवाइन है। तो मुस्तादी चूर्ण के और भी बहुत फायदे हैं। अब अगर आपको मैं बताऊं तो इसकी जो है इस पर इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसर्च हुई है जो जर्नल ऑफ आयुर्वेदा उनमें प्रकाशित हुई है, और वहां पर यह बताया गया है कि जो मुस्तादी चूर्ण है ये हीमोग्लोबिन यानी पांडु रोग में बड़ा अच्छा काम करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में, हीमोग्लोबिन के प्रतिशत को बढ़ाने में इसका बहुत बढ़िया रोल है। तो आप वहां भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पांडु रोगों में इस पे बहुत काम हुआ है, तो पांडु रोग में कर सकते हैं। इसके बारे में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आप सब देख रहे हैं इसको नित्य सेवन किया जा सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो मैंने बताया कि नागर मोथा व्योस यानी कि आपने देखा सौंठ है, पिपली है, सौंठ है, पिपली है, मरीच है, आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, मजीत है, देवदारू है, दोनों पंचमूल हैं, इनसे बनाया गया जो आपने ये मुस्तादी चूर्ण, मुस्त और आदि यानी कि नागर मोथा मुख्य घटक और आदि यानी अन्य घटक द्रव्यों के साथ में, यव के सत्तु के साथ में, आपने शहद और घी के साथ इसको नित्य आप ले सकते हैं। अगर आप मुस्ता की बात करें तो मुस्ता अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्रग है, हर्ब है, जिसे साइपरस रोटंडस कहते हैं। आप सब जानते हैं नट ग्रास के नाम से, कोको ग्रास भी कहते हैं इसे, मुस्ता है इसका नाम, मुस्तक है, वारिद भी कहते हैं इसको, ये सब नाम इसके जाने जाते हैं। ये आप सब जानते हैं कि कषाय कषाय इसमें कटु रस, कषाय रस, तिक्त रस प्रधान है, लेकिन ये हल्का है पचने में और फाइबर होते हैं इसमें, ये आपको भूख बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है, पाचन को भी बढ़िया करता है। और ये खासकर जो इसका इंडिकेशन है, आपने इसका इंडिकेशन मुस्तक पर्पट उसी चंदन उदच्य नागरे श्रुतम श्रुतम जलम दद्दात पिपासा ज्वर शांत, जो आपने षडंग पानी कहा जहां पर आपने पढ़ा था वर्णन, वहां भी मुस्तक को आपने जो है वो एक अच्छे कॉमन इंग्रेडिएंट के रूप में देखा था, और यहाँ भी देखिए आप ये कॉमन इंग्रेडिएंट है नहीं, तो आप चर्म रोगों में ये बहुत बढ़िया काम करता है। इट इज वेरी इफेक्टिव इन स्किन कंडीशन, आपकी प्रैक्टिस में चर्म रोगी बहुत आते होंगे, तो वहां पर आप इस मुस्तादी चूर्ण का प्रयोग करिए। कंडू में बहुत अच्छा काम करता है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं ना, जो हमारी लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं, उनके दुग्ध को शुद्ध करता है, स्तन्य शोधन का भी काम करता है, और इतना ही नहीं ये योनि के संक्रमण को भी समाप्त करता है। तो ये मुस्ता के इतने उपयोग हैं, और जब मुस्तादी चूर्ण के साथ में, मुस्तादी चूर्ण यानी आपने सौंठ, पीपर, मरीच, आंवला, हरड़, बहेड़ा, मजीर, देवदारू और दोनों पंचमूल के घटक द्रव्य जब आपने मिला दिए इसमें, साथ में आपने इंद्रायण की जड़ और चित्रक का मूल और मूलवा इसमें मिलाया, तो बताइए, और यव अलग मिला रहे हैं, तो ये तो काम करेगा ही करेगा। मुस्ता के बारे में कहा गया है कि इसका जो राइजोम होता है, यदि आप इसको घृत में भून लेते हैं और इसका आप नेत्र में प्रयोग करते हैं, तो ये नेत्राभिष्यंद कंजंक्टिवाइटिस में भी बहुत बढ़िया काम करता है। मुस्ता से हम लोग जो कफज कास है उसमें भी बहुत अच्छा इसका यूज करते हैं। हाँ, और कहते हैं कि साइपरस रोटेंडस जो है मुस्ता, जो सर्दियों में कभी कभी कफ बढ़ जाती है ना, तो वमन होने लगता है, उल्टी होने लगती है, तो वहां पर आप मुस्ता का प्रयोग कर्कट श्रृंगी के साथ करते हैं। आप ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 1.5 से 3 ग्राम आप जो है काकड़ा श्रृंगी के साथ आप उसका प्रयोग करते हैं शहद मिला करके, तो ये बढ़े हुए कफ के कारण जो वमन होता है ना, उसमें भी बहुत लाभ करता है। मुस्ता का प्रयोग कई सारी रोगों में कहा गया है, खासकर उदर रोगों में, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आप मुस्ता लीजिए और इसको 400 मिलीलीटर दूध में आप लगभग लगभग आप 50 ग्राम मुस्ता लीजिए, मोथा लीजिए, नाग जो मुस्तक है,
और उसको 400 ml दूध में और 1200 ml आप पानी में उसको पकाइए, और जब दूध पानी उड़ा दीजिए, जब दूध शेष रह जाए तो उबाल कर ठंडा कर लीजिए। आपको पता है इसको हम लोग जो है जो जो आव निकलता है ना, आव युक्त जो पेचिस होती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है ये। आप इसको इसको 50 ml की मात्रा में आप दे सकते हैं, जिनको इस प्रकार से एक प्रकार से डिसेंट्री होती है उनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुस्ता के बारे में कहा गया है कि ये अमृत बूटी भी है, इसे अमृत बूटी भी कहा गया है। तो आप देखिए मुस्तादी चूर्ण जो मैंने बताया वो आपको यकीन मानिए कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रिजल्ट देगा। कई बार इसको हम लोग मुस्ता को बहुत इसका पेस्ट बना लेते हैं और चटनी बना करके इसका प्रयोग जो है किया जाता है, और इसको दूध में मिलाकर पकाते हैं चतुर्थांश शेष रहने पर, और ठंडा होने पर इसमें शहद मिला लेते हैं और फिर मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं। तो ये ब्लीडिंग जो ब्लड के साथ में जो डिसेंट्री हो रही है उसमें भी लाभ लेता देता है। इसी प्रकार से खासकर मुस्ता का जो प्रयोग है ये खासकर जो इस प्रकार की डिसेंट्री है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट लाभ देता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में बहुत ज्यादा देखा होगा आपने कि जोड़ों का दर्द रहता है, तो रोजाना आप नियमित रूप से मुस्ता के साथ में आंवला हल्दी इनको मिलाकर काढ़ा बना सकते हैं, और इसमें शहद मिलाकर के आप पिलाएंगे तो ये ऐसे जो आमवात के रोगी हैं उनमें जिनमें कफ दोष का प्रधानता के कारण कफ के लक्षण मिल रहे हैं वहां पर ये बहुत लाभ देता है। जनरली जो मुस्तादी चूर्ण जो मैंने आपको बताया इसका जो मुख्य प्रभाव है ये प्रभाव कुष्ठ रोगी में है, यानी कि लेप्रोसी जिसे हम कहते हैं वहां पर इसका रोगाधिकार है। त्वचा रोगों में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसकी मात्रा पूछिए तो आप इसे 1 से 3 ग्राम इसकी जो मुस्तादी चूर्ण की मात्रा आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसके लिए कहा गया है, क्या इसके लिए कहा गया है कि ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो रेफरेंस है उसमें कहा गया भक्ष्य है, यानी ये नित्य सेवनीय है, यानी कि आप इसको रोगी को नित्य दे सकते हैं। पर कैसे दे सकते हैं, तो सत्तू के साथ में, यव के सत्तू के साथ में। तो एक और नौ का रेशियो रखिए आप, अगर आप मुस्तादी चूर्ण को 1 ग्राम ले रहे हैं तो 9 ग्राम आपने सत्तू लेना है, और शहद और घी के साथ में आपको इसको मिक्स करके सेवन कराना है। तो मैंने जैसा बताया कि एंटी इंफ्लेमेटरी है, स्किन डिजीज में काम करता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, वुंड हीलिंग करता है ना, और साथ में आप अगर देखेंगे तो पाइल्स जैसे डिजीज डिसऑर्डर जो एनोरेक्टल कंडीशंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ल्यूकोडर्मा में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको बाकुची चूर्ण के साथ में मिला के गुड़ के साथ आप सेवन कराएं तो ये हमारे स्वित्र रोगों में भी बहुत बढ़िया काम करता है। कैसे करना है फिर से रिपीट करता हूँ, काले तिल में बाकुची का पाउडर और मुस्ता का पाउडर चूर्ण मिलाकर गुड़ के साथ सेवन कराइए, ये बहुत अच्छा काम करता है। ध्यान रखिएगा मेरे ये लेक्चर्स को बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पर देखते हैं, कोई भी औषधि का सेवन बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के स्वयं नहीं करेंगे। ये जो मेरा लेक्चर है ये एकेडमिक उद्देश्य से है, जो हमारे आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर 15,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और अभी मैं देख रहा हूँ 250 लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो ये केवल उनके एकेडमिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। कोई भी औषधि का प्रयोग किसी भी प्रकार से बिना चिकित्सक के निर्देश में नहीं करना है, और हाँ इसको देख करके अपने आप ही इसका निर्माण भी नहीं करना है। ध्यान रखिएगा इसका निर्माण वैद्यकीय निर्देशन में ही होगा, और वैद्यकीय परामर्श से ही इन औषधियों का नाड़ी परीक्षण करके रोगी के रोग का निदान करके किस प्रकार के त्वचा रोग हैं उसमें इस बात का चयन चिकित्सक के द्वारा, अच्छे चिकित्सक के द्वारा, हाँ उनके निर्देशन में ही होना चाहिए। मैं कुछ और आपको प्रयोग बताता हूँ, क्योंकि हमारे इस ऐप में अभी करीब 15,000 जो है स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, जुड़े हुए हैं वो लोग, और 150 अभी 250 हो गई है संख्या, मैं देख रहा हूँ आप जुड़ना जारी है आपका, लेकिन कुछ लोग अभी बाद में जुड़े हुए हैं तो मैं उनको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। आज हमने आपको मुस्तादी चूर्ण बताया, और ये हमारे कुष्ठ रोगाधिकार चरक संहिता चिकित्सा स्थान कुष्ठ रोगाधिकार का एक बहुत ही बेहतरीन योग है, जिसको आचार्य चरक ने नित्य सेवनीय के रूप में माना है। जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा बताने का तरीका ऐसा है कि आपको याद हो जाता है, आप लिख रहे हैं नीचे, थैंक यू धन्यवाद बहुत बहुत आपका।
और क्योंकि मेरा ये स्टाइल ही है और इसीलिए तो मैं, मुझे लोग जानते हैं, मैं नाड़ी सिखाता हूँ, मर्व सिखाता हूँ, 25-30 हज़ार लोगों को मैं सिखा चुका हूँ आज प्रिसाइसली। मेरे साथ में लोग ऑफलाइन सीखते हैं आकर के, और बहुत तरह के, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर से लोग मेरे से ट्रीटमेंट लेने आते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी आते हैं, सीखने आते हैं। तो इसके पीछे क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है, इसके पीछे समझाने की जो स्किल है वो बहुत आसान है। तो आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको ये रटवा दूंगा मैं, दोबारा याद करिए, अगर आप संस्कृत में रुचि रखते हैं तो आप आयुष दर्पण के इसी प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल ऐप पर सुबह संहिता पठन में ज्वाइन कीजिए, बहुत ही बढ़िया क्लास होती है वो। और आपको यदि योग देखना है तो आप शाम के 7 बजे हमारे सत्र से जुड़िए, और शाम को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण से जुड़िए। बहुत ही एक, मतलब आपको आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप और आयुष दर्पण का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ये आपको एकेडमिक नॉलेज देता है। चलिए फिर से आपको मूल बात पे आते हैं, मुस्तम व्योसम त्रिफला मंजिष्टा दारु पंच मूल्यो द्वे सप्तक्षद निम्ब त्वक सविशाल सूत्रको मुर्वा चूर्णम तर्पणम भागम नर्वभि संयोजितम समद्वा जयम सिद्धम कुष्ठ निर्भरणम एतत् प्रायोगिकम भक्ष्यम स्वयथु सपाण्डुरोगम सूत्रम गृहिणी प्रदोषम अर्षांसि भ्रक्न भगंदर पीड़िका कंडु कोठास्य विनिहन्ति। ये हमारे आचार्य चरक ने, महर्षि चरक ने चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 7 के 65वें, 66वें और 67वें सूत्र में बताया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नागर मोथा मुस्ता इसका प्राइमरी इंग्रेडिएंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइप्रस रोटंडस बोलते हैं ना, साइप्रस रोटंडस इसका बोटेनिकल नेम है। पीपल सौंठ आप सब जानते ही हैं, मरीच जानते हैं, त्रिफला के घटक आपको पता है, मजीठ देवदारू आपको मालूम है, और बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल, ये सब आपको मालूम है, बिल्व अग्निमन सोनाक पाटला गंभारी और शालपर्णी कृष्णपर्णी बृहत बड़ी कटेरी छोटी कटेरी, इनको आप जो है वो आप इनको साथ में गोक्षुर, गोक्षुर भी है इसमें है ना, तो इन सबको इंद्रायण की मूल और चित्रक के मूल और मुरवा मरोड़फली इन सभी को संभाग में लें, और संभाग में लेने के बाद फिर से रिपीट करता हूँ, इनको कपड़ छन कर लें, कपड़ छन करने के बाद इनका चूर्ण बना लें, और इसको आप जो है वो अपने सत्तू के साथ में, एक भाग आपने चूर्ण ले लिया तो 9 भाग आपने सत्तू लेना है, और सत्तू यव का लीजिए, और शहद में और घृत में मिला करके इसका नित्य सेवन करने का उद्देश्य दिया गया है, और कहते हैं कि कुष्ठ रोग में बहुत अच्छा काम करता है, हमने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। चलिए आपके कुछ और सवाल है, वो हमेशा के सवाल है कि मुस्तादी चूर्ण जो है सर प्रेगनेंसी में कितना सेफ है, मुस्तादी चूर्ण ही नहीं किसी भी, हम किसी भी औषधि के बारे में हम ये कहेंगे कि आपको जो कि ये पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है, मैं फिर से बताऊं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी दवा है, ये हम लोग इसका बहुत जगह पे यूज करते हैं। इसके बारे में अगर आप इसके बारे में स्टडी देखना चाहते हैं तो इसकी स्टडी जो है ये बताती है कि इसमें जो भी इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो नागर मोथा हो चाहे त्रिफला के इंग्रेडिएंट्स हो, इन सब के जो प्रभाव अगर आप देखेंगे तो ये एंटी डायबिटिक हैं, आप देखेंगे ये एंटी पायरेटिक हैं, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर हैं, एंटी एजिंग गुण है इसमें है ना, और डेफिनेटली आप देवदारू है जैसे तो वो मधुमेह में भी काम आता है, हरिद्रा है तो हरिद्रा को हम आज सब जानते हैं आप लोग की एंटीऑक्सीडेंट है, नहीं आमलकी के बारे में कहना ही क्या है, विभीतिकी के बारे में आप सब जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे जो है इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, एंटी कैंसरस है, और हरितकी के बारे में क्या कहना है, कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरितकी, माँ कभी नाराज हो सकती है पर हरड़ कभी नाराज नहीं होती, तो हरित की जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी जो म्यूटाजेनिक हम कहते हैं, और जो म्यूटेशन को रोकता है, कैंसरस सेल्स को बनने से रोकता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है हम कह सकते हैं, हाइपोलिपिडेमिक है, हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में प्राप्त कर काम करती है, हरित की अनुलोमन करती है आप सब जानते हैं, और कई बार ये इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्शन के कारण इसको दुनिया भर में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से इंद्र जो इंद्रायण है आप देखेंगे तो ये भी हाइपोग्लाइसिमिक है, और सबसे जो बढ़िया बात लगती है हमें इंद्रायण की
वो एकदम से आपको जो है डिटॉक्स करती है। हम लोग इसका प्रयोग फलत्रिकादि काढ़ा जो है, जो शुगर वाला काढ़ा है उसमें भी प्रयोग करते हैं, इंद्रायण पड़ा हुआ है उसमें, जबरदस्त उसका जो है रोल हाइपोग्लाइसीमिया और जो हम कहते हैं ना जो डिटॉक्स करने में उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आप देखिए गोखरू है, तो गोखरू स्वयं आप जानते हैं डायूरेटिक है, बहुत अच्छा कार्डियोटॉनिक है और एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक के रूप में काम करता है। तो ये सारे ड्रग्स अगर आप देखेंगे, बहुत सारे जो इसमें जो औषधियां पड़ी हुई हैं, ये सब जो है इसमें अल्टीमेट काम करती हैं। तो आप इस पे इसको आप बड़ा अच्छा आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आप इसका यूज करिए, है ना। और ये जैसा कि मैंने आपको इससे पहले आज मुदादी चूर्ण बताया, इसी प्रकार से मैंने आपको अभी जो है सिद्धोपलादि चूर्ण बताया, ऐसे ही मैंने आपको तालिशादि चूर्ण बताया और आज मैंने आपको मुस्तादी चूर्ण बताया। तो आप हमारी ये सीरीज जारी रहेगी, ऐसे हम असंख्य जो चूर्ण कल्पनाएं हैं उन पे मैं आपको जो है वो ये सीरीज कर रहा हूँ। आपके कुछ सवाल और भी आए हैं, बहुत सारे सवाल आपके आए हैं, मैं इनमें से कुछ चुनिंदा सवालों को मैं यहाँ पर आपका उत्तर देता हूँ। क्या सर इसका काढ़े के रूप में यूज कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हैं इसका काढ़े के रूप में, कर सकते हैं आप। काढ़े के रूप में यूज करने का तरीका वही है कि इन सभी जो द्रव्य है इनको आप 16 गुना पानी में उबालिए और 1/4 रहने तक आप इसको छान लीजिए और फिर इसको आप 12 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर आप इसका यूज कर लीजिए। काढ़े के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, इसके बारे में कुछ और भी चीज है इसका लोग यूज है, चूंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया कि ये आपको मर्माघात में भी बड़ा काम करते हैं। नहीं, इसका प्रयोग जो है ना आजकल इसका प्रयोग मुस्तादी मर्म कषायम के रूप में इसका यूज जो है मर्म स्थानों पर जो आघात के कारण जो वेदना होती है उनमें भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं, इसकी इसका प्रयोग आप कषाय के फॉर्म में भी आप इसका यूज कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छा काम करती है, मैं तो यही कहूंगा इसका यूज आपको करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस में। और आपके कोई अनुभव हो तो आप वहाँ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आपका कोई इसमें विशेष अनुभव हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच में एक इंटरेक्शन हो और आप ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में हम इसके बारे में और भी कुछ जानें। तो मैंने आपको मुस्तादी चूर्ण के बारे में आज बताया, आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। कुछ सवाल और भी आपके हैं मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 5 से 6 मिनट का समय है। तो मैं इस पे हो रही कुछ रिसर्च है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिसर्च में एक रिसर्च है असेसमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पुरीष धारा एंड अस्थि धारा कला बाय यूजिंग क्लिनिकल स्टडी ऑफ मुस्तादी चूर्ण। कुछ इस पे ऑब्जेक्टिव्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पर कुछ इस पर रिसर्च हुए हैं। इस पे जो है यहाँ पे कहा गया है कि कहीं कहीं पर ना आजकल मुस्ता जो है साइपरस रोटेंडस जो है आयुर्वेदिक साहित्य में चूंकि इसको एक खरपतवार की तरह से लिया जाता रहा तो इसको प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में भी प्रयोग किया गया है कई जगह पे। और ध्यान रखिएगा कि अतिविषा के साथ में इसको कई बार प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है क्योंकि कई बार कोई द्रव्य हमें मिलते नहीं है, अभाव प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में हम लोग कहीं पर ऑल्टरनेट मेडिसिन ले लेते हैं। तो ये भी हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि मुस्ता का प्रयोग इस प्रकार से प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में भी किया जाता है। तो ये भी हमें देखना होगा क्योंकि अवेलेबिलिटी के आधार पर हम लोगों ने मुझे जब कोई द्रव्य नहीं मिलता है तो हम लोग उसके प्रतिनिधि द्रव्य का प्रयोग कर लेते हैं। ये हमारी आयुर्वेद में एक थोड़ा सा ये रहा है। जैसे आपको बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो यूज मिलती नहीं है सामान्य रूप से, तो हम इसका प्रतिनिधि द्रव्य यूज करते हैं। आपको मैं कुछ और भी चीज बताऊं तो हम लोग मुस्त्यादि जो है मुस्ता का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, काफी प्रयोग करते हैं इसका। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग इसका प्रयोग मेनली जो है कुष्ठ रोगों में तो करते ही हैं, स्किन डिजीज में तो करते ही करते हैं। इसका प्रयोग जो है हम लोग क्वाथ के रूप में भी करते हैं। इसका प्रयोग जो है हम लोग बताया आपको कि इसका प्रयोग हम लोग बहुत सारे ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एनीमिक पेशेंट है वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग इसका प्रयोग। इसका प्रयोग जो है हम लोग स्वित्र में करते हैं,
गृहिणी दोष में करते हैं, एनोरेक्टल कंडीशंस में करते हैं। बस ये मूल बात यह है कि इसको आप रेगुलर यूज कर सकते हैं एज ए भक्ष्य, इसको आचार्य चरक ने बताया है। तो आपसे मैं यही विदा लेता हूँ आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वही सवाल है आपका कि प्रेगनेंसी में, देखिए प्रेगनेंसी में किसी भी दवा को प्रयोग करने से पहले आपको अपने चिकित्सक से उसकी सलाह ले लेनी चाहिए। और सवाल और है कि इसको कौन सी फार्मेसीज बनाती है, क्योंकि बहुत सारी फार्मेसीज बनाती हैं, आप किसी से भी आप मंगवा सकते हैं, पर आप उसकी क्वालिटी कंट्रोल पर एक्सेस कर लें, तो यही मैं कहूँगा। और अगर आप स्वयं इन द्रव्यों का संग्रहण कर सके बना सकते हैं तो सो फार सो गुड है, बहुत ही अच्छा है। बहुत ऐसे द्रव्य हैं जो आपको सामान्य रूप से जो हमारे जो जड़ी बूटियों का काम करते हैं उनके यहाँ मिल जाएंगे। कोई ऐसे द्रव्य तो है नहीं, इसमें नागरम होता है मिल जाता है, सुंठी मिल जाती है, पीपर मिल जाती है, मरीच मिल जाता है, त्रिफला के घटक आंवला हरड़ बहेला आपको मिल जाते हैं, मजीठ मिल जाता है, देवदारू मिल जाती है, दोनों पंचमूल मिल जाते हैं आपको, है ना, बिल्व अग्निमंश शोनाक पाटलाग अंबारी, है ना, शालपर्णी प्रश्नपर्णी विहति कंटकारी पोखरु आदि, ये सब द्रव्य मिल जाते हैं आपको। इंद्रायण की जड़ है ना, आपको चित्रक का मूल है, मुरवा है, ये सभी द्रव्य आपको मिल जाते हैं। तो आप इनको संग्रहण भी कर सकते हैं अगर, लेकिन बस अगर आपको पहचान नहीं है तो बेहतर है कि आप इसे किसी एक्सपर्ट के उसमें संग्रहण करिए, उसको पहचानिए और फिर इनको संभाग में इकट्ठा करिए। और फिर इसको हमारे आचार्य चरक ने कहा है कि इसको कपड़छन कर लीजिए, और कपड़छन करने के बाद एक जो भाग चूर्ण है और 9 भाग जो है आपने सत्तू के साथ में इसका नित्य सेवन कहा है, शहद और घृत के साथ। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछिएगा, कल हम फिर आपके समक्ष किसी और चूर्ण या फिर कषाय कल्पना के साथ में, क्वाथ कल्पना के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे इस जो लेक्चर है इसके लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हमारे 40,000 से ज्यादा लोग हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग। और मैं देख रहा हूँ कि मैं हमारे जो व्यूज हैं वो 3.5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। केवल आप वीडियोस देखते हैं, आनंद लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी चेक करिए और दूसरों को भी बताइए। वैसे तो आयुष दर्पण को पूरे भारत में नहीं, वर्ल्ड में जाना जाता है, तो आप दूसरों को भी बताइए इसके बारे में। चलिए, ऐप पे आप सभी जुड़े हैं हमारे साथ में, अभी मैं देख रहा हूँ 250 लोग जुड़े हुए हैं, तो 15,000 लोग हैं, इनमें से 250 ही जुड़े हैं। हाँ, हमारा जूम तो 1,500 लोगों की कैपेसिटी को रखता है। तो कल मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा नया लेक्चर हमारे वैद्य जी देंगे उसमें आप कम से कम 250 से ज्यादा लोग जुड़िएगा, 500 से ज्यादा लोग जुड़िए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और हर रोज 7 बजे आधे घंटे में हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज देंगे आपको। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आयुष दर्पण, थैंक यू।